हे गाइस, और एक वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। तो गाइस, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि जो एक ट्रेनर है, जो एक RTA मतलब रिक्रूट ट्रेनर, उन लोगों के साथ एक ही दिन में पूरा क्या क्या होता है, मतलब जो ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो इतना लंबा नहीं होगा। अगर आप लोग चाहो कि पूरा सेपरेट वीडियो चाहिए कि अभी इतना से 12 से 2 तक क्या हो रहा है, ये पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। ये एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों की थोड़ा बहुत जानकारी आ जाएगी कि अगर आपको इस बार नौकरी मिल जाता है तो ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ, ठीक है। हो सकता नहीं, आप लोगों के साथ यही होगा, ठीक ना। तो इसी हिसाब से आप लोग प्रिपेयर होकर आना। आप ऐसा सोच सकते कि घर में जब जहाँ जैसे मिलता था 8 बजे उठोगे, इसके बाद प्रास करोगे, नाश्ता करोगे, ऐसा इधर कुछ नहीं होने वाला है भाई लोग। इधर पूरा ही दिन और रात का फर्क हो जाएगा, ठीक ना। उधर एक है, उधर सिविल, और इधर है आपका डिफेंस लाइफ। तो गाइस, पहले शुरू करते हैं। आपको पहले उठना होगा, आपको 4 बजे उठना होगा। इसके बाद पूरा बाथरूम वगैरह वगैरह करने के बाद, दांत ब्रश करने के बाद, शेविंग तो डेली करना होता है। तो पहले एक सोल्जर का ये है कि पहले आप लोग को पूरा बाल कटा देगा। पहले जब जिसमें आप आओगे, पहले आप लोग को टकला करके देगा, पूरा ही टकला करके देगा, मतलब एक भी बाल नहीं देगा, पूरा छोटा छोटा जीरो से पूरा देगा। अभी तो ऊपर एक है, इधर जीरो से है, ठीक है ना गाइस। तो इसके बाद 4 से अभी फॉलिंग कितने बजे होगा या रोल कॉल कितना बजे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जितना भी क्लास है आपका, PT होगा, ड्रिल होगा, WD क्लास होगा, सब कुछ होगा। इसके बाद आपका 12 साढ़े 12 तक, मतलब 4 बजे आप 5 बजे तक आपका लाइन छोड़ दोगे। लाइन का मतलब है बैरक, ठीक है, बैरक भी नहीं समझोगे, बैरक का मतलब है जहाँ हम रहते हैं उसको हम इधर डिफेंस में लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप फॉलेंड में जाओगे, उधर क्या क्या क्लास होगा उसको बोल देगा। अगर PT होगा तो उतना कुछ नहीं बोलेगा, PT में तो रनिंग होगा तो डेली रनिंग होता है, ठीक ना, डेली रनिंग होता है। जितना दिन तक आपका 40 किलोमीटर कंप्लीट नहीं होगा, डेली आपका रनिंग होगा। डेली का मतलब ये नहीं है कि हफ्ता का 6 दिन होगा, संडे में पूरा छुट्टी है। छुट्टी का मतलब ये नहीं है आप डिफेंस में आ चुके हो, ठीक ना। अभी छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। जितना दिन आप RT है मतलब ट्रेनिंग कर रहा है, आपकी छुट्टी कुछ नहीं है। पूरा फटिक कराएगा, मतलब वर्किंग कराएगा, इधर उधर पूरा बिल्डिंग आप लोगों के सहारे से खड़ा कर देगा। हमारे जो 4-5 बंदा ने पूरा बाथरूम सब कुछ बना लिया, इतना काम कराता है। तो लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा फोर्स है, आप लोगों को पता है। मैं CRPF में, ये देखिए हम, मेरा प्यारा, मेरा जान, मेरा सब कुछ, मेरा CRPF का लोगो है। मैं बचपन से आप लोगों को पता है कि बहुत प्यार करता हूँ इस लोगों से, मतलब CRPF से। इसलिए जिसको आप मान से चाहोगे उसको मिलना ही मिलना है, 100% मिलेगा। इसके बाद गाइस, आपका जो ट्रेनिंग है, मतलब सुबह का जो ट्रेनिंग है, वो लगभग 1 बजे या 12:30 तक चलेगा। इसके बाद 3 बजे तक आपका पूरा रेस्ट है, उसमें खाना खाओगे नहाओगे आपका मर्जी है। तो उसमें आप, अगर वो RTC के ऊपर डिपेंड करता है, अगर फ़ोन अलाउड है तो फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा RTC में अलाउड है फ़ोन, लेकिन गाइस फ़ोन अलाउड है लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता है फ़ोन यूज़ करने में। जितना भी टाइम मिलता है वो सो जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, क्योंकि पूरा दिन बहुत मेहनत करता हूँ। PT होता है, ड्रिल होता है, बहुत बहुत अच्छा RTC है। मतलब RTC तो सभी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक बंदा को ट्रेंड सोल्जर में चेंज करते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद गाइस 3 बजे फॉलिंग होगा, 3 बजे से 5 बजे के अंदर पूरा दोबारा क्लास चलेगा, नहीं तो PT चलेगा। PT सुबह नहीं होगा तो शाम को होगा, ड्रिल सुबह नहीं होगा तो शाम को होगा, ऐसे चलता है। इसके बाद गाइस 5 से 6 के अंदर आपका जो वर्किंग है, छोटा अपना एरिया है, उस एरिया का देखभाल करना होगा। इसके बाद गाइस रोल कॉल में जाना होता है। रोल कॉल का मतलब है आज का पासवर्ड है, बहुत कुछ है। जब आप ड्यूटी पे रहोगे, मतलब इधर जो ड्यूटी है, ड्यूटी पे रहोगे, अगर कोई अंदर आदमी आ गया तो उनसे पूछना है कि आपका पासवर्ड क्या है। तो फ़ोन का पासवर्ड जैसा नहीं है, वो अलग का पासवर्ड है, ऑल ओवर इंडिया एक ही पासवर्ड चलता है। तो उसी पासवर्ड के बारे में पूरा जानकारी देता है, आज कल क्या होगा सब कुछ उधर बोलता है। इसके बाद लाइन पे आना है, उधर खाना करके फिर से 8 बजे फॉलिंग होता है। फॉलिंग का मतलब है रोल कॉल, और रोल कॉल का मतलब ये है कि सभी बंदा को एक साथ बैठाया जाता है, जो भी आदेश है नेक्स्ट दिन के लिए वो सुनाया जाता है, सब कुछ है। सभी RTC सभी ट्रेनिंग सेंटर में लगभग एक ही जैसा है। तो इसके बाद पूरा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, इसके बाद सब कुछ शांति मिलता है। लगभग 9:10-15 के लाइन पे आते हैं, 9:30 बज जाता है, मतलब 9:30 के अंदर पूरा रेस्ट है। इसके बाद आप जो मन चाहे कर सकते हो।
और गाइस इसके बाद मिलता है चैन का सुकून, मतलब पूरा सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। अब पूरा दिन इतना मेहनत करने के बाद जब फ़ोन मिलता है तो ऐसा लगता है कि खजाना मिल गया कुछ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही, मतलब 30 से 40 मिनट ही फ़ोन यूज़ कर पाओगे। मेरा साथ जो मेरा बड्डी है, बड्डी का मतलब एक साथ रहते हैं, वो तो ऐसा करता है कि फ़ोन हाथ में लेकर ही सो जाता है बीच में। ऐसा भी इतना मतलब इतना हार्ड होता है ट्रेनिंग, पूरा ऑटोमेटिकली नींद आ जाता है, फ़ोन में वीडियो चल रहा है वो सो रहा है, ऐसे ही होता है गाइस। तो गाइस ये है राफली एक वीडियो कि पूरा दिन क्या क्या होता है हमारा, ठीक ना, एक ट्रेनर का आरटी का रिक्रूट ट्रेनर का क्या क्या होता है एक आरटीसी में, एक ट्रेनिंग सेंटर में, उसका एक फुल वीडियो। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद गाइस।